एक्स सर्विसमैन लीग ने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों ने 2 मिनट का मौन रखा और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर अपने संबोधन में एक्स सर्विसमैन लीग के चेयरमैन कर्नल प्रताप सिंह ने कहा कि भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों पर हमें नाज है। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाएगी। इस अवसर पर एक्स सर्विसमैन लीग के कई पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आज हमने यहाँ पर जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं लद्दाख गलवान वैली पे, उनको हमने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें कि हमारे लीग के सदस्य और हिमाचल संघर्ष समिति के कुछ लोग हैं, नगर पालिका के लोग हैं और हिमाचल प्रदेश वीमेन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। तो हमारे लोगों ने, जो 20 लोग हमारे शहीद हुए हैं, कि अपनी जीवन का सर्वोच्च बलिदान इस देश की सीमाओं को और इस देश की सुरक्षा के लिए बलिदान किया है, उनको हम अपने तहे दिल से आज भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजन, उनकी फैमिलीज और उनके जो आश्रित लोग हैं, उनको भगवान इस नुकसान को सहने की शक्ति दे। तथा सरकार से मैं मीडिया के माध्यम से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि उनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं, उनकी कैजुअलिटी के बाद और जो सरकार ने उनकी फैमिली से वादा किए हैं उनके फायदे के लिए, उनके उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचाएं और ताकि वो समय रहते ही इसका फायदा उठा सके। आज का दिन बहुत ही पर्व का दिन है और इससे बड़ा पर्व कोई नहीं हो सकता है कि हमारे शहीद सैनिकों को हम याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें।